हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वास्थ्य के जगटर में। तो दोस्तों, आज आपको इस में जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में कि जो भी पॉलिटेक्निक परीक्षाएं होने वाली थी, सेमेस्टर जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं होने वो स्थगित कर दी गई हैं। तो दोस्तों, आज आपको यही वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पॉइंट बाय पॉइंट हम सारी जानकारी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए फिर न्यूज़ को पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा गया है कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और यह घोषणा की गई कि यूपी की सभी पॉलिटेक्निक में होने वाली फाइनल सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब परीक्षा 13 मई को नहीं होगी। परीक्षा की तारीख जल्द ही तय की जाएगी। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के मनोज कुमार ने बताया कि 13 मई को सभी पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं होकर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करना था। अब ऐसा नहीं होगा। अब लॉकडाउन खुलने के बाद ही सभी की परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर छात्रों के लिए बहुत विशेष सूचना आ चुकी है। तो दोस्तों, यह सूचना आई है कि उनकी परीक्षाएं जो 13 मई को होने वाली थी वह स्थगित कर दी गई है और जो परीक्षा संबंधी जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय लिया जाएगा लॉकडाउन खुलने के बाद। तो दोस्तों, अब जो ये जितने भी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के छात्र हैं उन सभी के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो आप अपने सभी मित्रों को यह जानकारी प्रदान कीजिए, क्योंकि यह जानकारी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ हमारे चैनल स्वास्थ्य का जगटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही परीक्षा संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।